बाड़मेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडली में एक महिला को प्रसव के दौरान स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रसव के दौरान नवजात शिशु बेहोशी की हालत में आ गया। हलचल नहीं हो रही थी, इससे नवजात के परिजन सकते में आ गए। वहां पर मौजूद ANM निर्मला विश्नोई ने तत्काल नवजात शिशु को मुंह से लगभग 7 मिनट तक श्वास देती रही, जिससे नवजात के शरीर में हलचल भी आ गई और वह रोने भी लग गया। नवजात शिशु की मां गुड्डी कवर के चेहरे पर खुशी का माहौल छा गया। काफी समय से कार्यरत निर्मला विश्नोई अब तक 600 से ज्यादा प्रसव करा चुकी हैं। नवजात की मां और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। टाइमेट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइमेट राजस्थान। टाइमेट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। बाड़मेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडली में एक महिला को प्रसव के दौरान स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रसव के दौरान नवजात शिशु बेहोशी की हालत में आ गया। हलचल नहीं हो रही थी, इससे नवजात के परिजन सकते में आ गए। वहां पर मौजूद ANM निर्मला विश्नोई ने तत्काल नवजात शिशु को मुंह से लगभग 7 मिनट तक श्वास देती रही, जिससे नवजात के शरीर में हलचल भी आ गई और वह रोने भी लग गया। नवजात शिशु की मां गुड्डी कवर के चेहरे पर खुशी का माहौल छा गया। काफी समय से कार्यरत निर्मला विश्नोई अब तक 600 से ज्यादा प्रसव करा चुकी हैं। नवजात की मां और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। टाइमेट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइमेट राजस्थान। टाइमेट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। बाड़मेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडली में एक महिला को प्रसव के दौरान स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रसव के दौरान नवजात शिशु बेहोशी की हालत में आ गया। हलचल नहीं हो रही थी, इससे नवजात के परिजन सकते में आ गए। वहां पर मौजूद ANM निर्मला विश्नोई ने तत्काल नवजात शिशु को मुंह से लगभग 7 मिनट तक श्वास देती रही, जिससे नवजात के शरीर में हलचल भी आ गई और वह रोने भी लग गया। नवजात शिशु की मां गुड्डी कवर के चेहरे पर खुशी का माहौल छा गया। काफी समय से कार्यरत निर्मला विश्नोई अब तक 600 से ज्यादा प्रसव करा चुकी हैं। नवजात की मां और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। टाइमेट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइमेट राजस्थान। टाइमेट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। बाड़मेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडली में एक महिला को प्रसव के दौरान स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रसव के दौरान नवजात शिशु बेहोशी की हालत में आ गया। हलचल नहीं हो रही थी, इससे नवजात के परिजन सकते में आ गए। वहां पर मौजूद ANM निर्मला विश्नोई ने तत्काल नवजात शिशु को मुंह से लगभग 7 मिनट तक श्वास देती रही, जिससे नवजात के शरीर में हलचल भी आ गई और वह रोने भी लग गया। नवजात शिशु की मां गुड्डी कवर के चेहरे पर खुशी का माहौल छा गया। काफी समय से कार्यरत निर्मला विश्नोई अब तक 600 से ज्यादा प्रसव करा चुकी हैं। नवजात की मां और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। टाइमेट राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइमेट राजस्थान। टाइमेट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। We'll be right back.